मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गुलाब जामुन की रेसिपी, जो सबके फेवरेट होते हैं। एकदम माउथ वाटरिंग गुलाब जामुन आज हम अपने घर पे ही बनाने वाले हैं। ये देखिए, आप कलर देख सकते हैं, टेक्सचर देख सकते हैं गुलाब जामुन का। बहुत ही ईजी सी रेसिपी आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ, आपको बहुत पसंद आएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MTV किचन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गुलाब जामुन की रेसिपी, जिसके लिए सबसे पहले हम सिरप तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 कप चीनी ली है। अब हम इसमें 2 कप ही पानी ऐड कर देंगे। चीनी और पानी की क्वांटिटी मैंने सेम ही रखी है। आप जब भी गुलाब जामुन बनाएं, चाशनी की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा ही बना के रखें। इससे आपके गुलाब जामुन की शेप ख़राब नहीं होगी चाशनी को अब्जॉर्ब करने के बाद, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो चीनी के डिज़ोल्व होने तक हम इसको चलाते रहेंगे। अब मैं इसमें फ्लेवर देने के लिए 2 हरी इलायची ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा हमारी चाशनी में। आप इसकी जगह पर रोज़ वाटर ऐड कर सकते हैं या फिर केसर के थ्रेड ऐड कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। अब हम इस चाशनी को 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे, जब तक ये थोड़ी सी थिक हो जाएगी। हमने इसकी कोई तार नहीं फॉर्म करनी। तो ये देखिए, 3 से 4 मिनट हो चुके हैं मुझे चाशनी को पकाते हुए। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह की है। तो एक कटोरी ले लेते हैं, इसमें हम थोड़ा सा चाशनी का सिरप डालेंगे। ठंडा होने के बाद हम इसको चेक करेंगे। ये देखिए, इसमें कोई तार फॉर्म नहीं हो रही, बट चिपचिपाहट काफ़ी अच्छी हो रही है। तो इसी तरह का टेक्सचर चाहिए हमें चाशनी का, इससे ज़्यादा हमने इसे नहीं पकाना। तो गुलाब जामुन बनाने के लिए चाशनी हमारी बनके तैयार है। गैस को हम ऑफ कर देते हैं। अब हम गुलाब जामुन बनाने स्टार्ट करते हैं। गुलाब जामुन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर खोया लिया है। आज हम खोए से गुलाब जामुन बनाएंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे सूजी। सूजी से काफ़ी अच्छा टेक्सचर आएगा हमारे गुलाब जामुन में। आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, और आपकी इच्छा हो तो आप इसे डाल भी सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बारीक वाली सूजी ली है। अब हम इसमें मैदा ऐड करेंगे, जिससे हमारे गुलाब जामुन में बाइंडिंग आएगी। तो 3 चम्मच मैदा मैंने इसमें ऐड करा है, और 1/2 चम्मच के करीब मैंने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करा है। मिक्स कर लेते हैं सबको। अभी बैटर काफ़ी ड्राई लग रहा है मेरे को, तो हम इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसमें 2 चम्मच दूध ऐड करा है। दूध को आपको ज़्यादा नहीं ऐड करना, क्योंकि बहुत जल्दी ये सॉफ्ट हो जाता है डो, तो आप इसको ध्यान से ऐड कीजिएगा। आप दूध की जगह पर पानी भी ले सकते हैं या फिर रोज़ वाटर भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर धीरे धीरे दूध ऐड करूँगी, और इसका एक हमने सॉफ्ट सा डो बना के तैयार करना है। तो ये देखिए, 1 से 2 चम्मच दूध मैंने और डाली है। टोटल 4 चम्मच मैंने इसमें दूध ऐड करा है, और एक डो बना लूँगी मैं इसका। तो ये देखिए, गुलाब जामुन के लिए हमारा डो बनके तैयार है। एकदम स्मूथ डो बनके तैयार हुआ है। अब हम इसकी बॉल्स निकाल लेंगे। आज मैं राउंड शेप के गुलाब जामुन बनाने वाली हूँ। आपकी इच्छा हो तो आप इसे ओवल शेप भी दे सकते हैं। तो भी आप देख सकते हैं, इसमें क्रैक्स दिख रहे होंगे आपको। ये देखिए, थोड़े से क्रैक है मेरी बोल में, तो मैं इसको रिमूव करूँगी। तो मैं इसको शेल्फ पे इस तरह से रब करूँगी, जिससे हमारी जो गुलाब जामुन बोल्स हैं उसके क्रैक्स बिल्कुल रिमूव हो जाएंगे, और एकदम स्मूथ बोल हमारी बनके रेडी होगी। तो मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से गुलाब जामुन की बोल्स में क्रैक्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए, तभी वो दिखने में भी सुंदर बनेंगे, और फ्राई होने के टाइम ये फटेंगे भी नहीं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो सारी बोल्स मैंने बना के रेडी कर ली हैं, ये देखिए आप देख सकते हैं। अब हम इन्हें फ्राई करने के लिए चलते हैं। गुलाब जामुन को फ्राई करने के लिए ऑयल हमारा ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, और हमने इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, अगर आप इसे ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल में डाल देंगे तो ये ऊपर से तो सिक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह सकते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ज़रा से सिकने के बाद हम इसको टर्न करेंगे। ये देखिए, इस तरह से, नहीं तो ये नीचे चिपक सकते हैं, और इनका कलर भी कहीं से डार्क और कहीं से लाइट हो जाएगा। तो जैसे ही ज़रा से सीखे, हम इसको टर्न कर लेंगे। तो सारे गुलाब जामुन को मैंने टर्न कर लिया है। अब मैं इसको लगातार चलाती रहूँगी और फ्राई करती रहूँगी। ये देखिए, इस तरह से। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, अगर आप ये स्टेप फॉलो करेंगे तो आपके गुलाब जामुन चारों तरफ से परफेक्ट कलर के आएंगे।
नहीं तो आपके गुलाब जामुन कहीं से डार्क कलर का हो जाएगा, कहीं से लाइट कलर का हो जाएगा। बनने में तो ये स्वाद बन जाएंगे, बट दिखने में भी हमारे गुलाब जामुन सुंदर दिखने चाहिए। तो आप इन स्टेप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा कि जब भी आप इसे फ्राई करें लगातार चलाते ज़रूर रहें, ताकि चारों साइड से आपके गुलाब जामुन में इक्वल कलर आए। ये देखिए, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, वो सुंदर कलर आ गया हमारे गुलाब जामुन पे, आप देख सकते हैं। ये देखिए, चारों साइड से एकदम इक्वल कलर आया है, कहीं से डार्क या फिर कहीं से लाइट नहीं है। तो निकाल लेते हैं इनको। ये देखिए, आप गुलाब जामुन की शेप देख सकते हैं, कोई भी गुलाब जामुन हमारा फटा नहीं है, ऊपर से इसके क्रैक्स भी नहीं ज़्यादा दिख रहे हैं, और कलर भी चारों साइड से एकदम इक्वल आया है। अब हम इन गरम गरम गुलाब जामुन को गरम गरम चाशनी में डिप करेंगे। अगर आपकी चाशनी ठंडी हो गई हो तो आप इसे दोबारा से गरम कर लीजिएगा। चाशनी और गुलाब जामुन दोनों गरम होने चाहिए, तभी ये चाशनी को अच्छे से अब्सॉर्ब करेंगे। तो ये देखिए, इनको मिक्स कर लेते हैं एक बार। अब जो मेरी थोड़ी सी बॉल्स बच गई थी गुलाब जामुन की, उनको भी मैं जल्दी से फ्राई कर लेती हूँ। तो ये देखिए, ये भी गुलाब जामुन हमारे फ्राई हो चुके हैं, इनको भी अब हम चाशनी में डाल देते हैं। अब हम इन गुलाब जामुन को 2 घंटे के लिए चाशनी में ही रहने देंगे, ताकि चाशनी को अच्छे से अब्जॉर्ब कर लें और अंदर से एकदम जूसी हो जाएं। तो ये देखिए, इसलिए मैंने चाशनी की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा बनाई थी, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इससे हमारे गुलाब जामुन की शेप बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये देखिए, एकदम परफेक्ट शेप आई है हमारे गुलाब जामुन की, आप देख सकते हैं। तो 2 घंटे के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, 2 घंटे हो चुके हैं, गुलाब जामुन ने चाशनी को अच्छे से अब्जॉर्ब कर लिया है, और उसके बाद भी हमारी काफ़ी चाशनी बची है, ताकि हमें सर्व करने में बिल्कुल दिक्कत ना हो, और कोई भी गुलाब जामुन हमारा चिपक नहीं रहा आपस में, और एकदम परफेक्ट शेप आई है इसकी। तो सर्व कर लेते हैं इनको। तो ये देखिए, गर्मा गर्म गुलाब जामुन हमारे बन के तैयार हैं, बिल्कुल हलवाई से भी बढ़िया गुलाब जामुन आपके घर पे ही बन के तैयार हो गए हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरी सारी वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचें। थैंक यू फॉर वॉचिंग MTV किचन।